तो आज हम गए थे नर्सरी, फाइनली आज गमलों की मिट्टी भी चेंज करवा दी और उसमें फ्लावर लगा दिए हैं। और बस अब ये देखिए नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनके पास सभी तरह के प्लांट्स होते हैं और कुछ मैंने एक दो नए भी लिए और कुछ पुराने जितने भी गमले थे उन सब में मिट्टी भरानी थी दोबारा से, और दोबारा से फ्लावर लगा के हम गाड़ी में भर के ले आए थे यहीं पे। अब हम इसको ऑयल लगा देंगे ब्रश से और ये लाइट पीस रखेंगे इसके ऊपर। आज मैं इस ओवन में बनाऊंगी, तंदूर में नहीं बना रही आज मैं, है ना। इसके ऊपर ऑयल कर, इसको नहीं लगाना है लेकिन तंदूरी प्लस ग्रिल। हाँ आज ग्रिल चिकन बनेगा इसे, तंदूरी प्लस ग्रिल। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी टाइम है, उसके बाद मैं इसको ऑन करूंगी। मैंने सिर्फ प्रिपरेशन करके रखी है, ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अब सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी मैंने चिकन रख दिया है, तो अभी टाइम है। तो और ये देखिए मेरे ना पाँव में लग चुकी है, इसको ड्रेसिंग करा के आए। तो और गई थी आज मैंने प्लांट्स लाए घर, जो गमलों में लगाने थे उनकी मिट्टी भी चेंज करनी थी वो भी भरा के लाई, और प्लांट्स भी नर्सरी गए थे। तो बस अब हफ्तियारी की तैयारी कर, इसको देखना लाइट बराबर है, पीछे लाइट है, पकड़ो। अब बारी है, मैं ओवन को ऑन कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं रखूंगी एक मिनट। आवेश क्या हो, एक मिनट, एक मिनट ये है। हाँ तंदूरी ढाबा पे रखो बस, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, तैयार हो जाए। इसको मैंने रखा ग्रिल पे भी रख सकती थी, लेकिन अभी पहले इसको एक साइड से हो जाएंगे इसमें, तो उसको 30 मिनट लगेंगे इसमें पकने में। यहाँ क्या कर रही हो तू? सेवैयां बनाती हूँ मैंने, नहीं करो ना अभी, इसको टाइम लगेगा, अभी थोड़ी ना रखती बन जाएगा। दिखा रही हूँ देखो, मुझे स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है आज? मैच चल रहा है, फिर मैं जा रही हूँ। चलो मैं जाऊंगी, चिकन रख दी मैंने ओवन में। आप उधर ही थी तो दर्द हो रहा है ना, इसमें उतरा ही नहीं जा रहा। फिर मैंने ये वाले प्लांट लाए, हमने सारे को लगा दिए इधर से फिर इधर से भी सारे को हमने आगे तक लगा दिए हैं। बस अब थोड़ा ही टाइम बचा है रोजे को, तो बस
किधर पहुंचे हमारा चिकन पता नहीं, पक रहा है टाइम इसको, तब तक मैं शरबत बना लूंगी। ये मटन भी ऐसे ही पड़ा है रात का, अब बनाएंगे। ये मैंने बेसिल सीड भिगो दिए थे, देखिए अब मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करूंगी। जस्ट अभी भी नहीं ठीक हो रही है, बनाऊंगी बनाना शेक। ये देखिए एक साइड से इतना हो चुका है, अब हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड से। तो अच्छा सर्व जो में ही गर्म था ना। परसों इतना अच्छा बना था चॉकलेट के बिना, पीने का भी नहीं किया वरना नहीं करता। आपका नहीं करता क्योंकि आपको पता होता है उसमें डाला है।
रही हो अबू? अभी तंदूरी आएगा तो फाइनली देखिए ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। देखो जो उसमें हमने वो किया था ना ऊपर से ब्रश से ऑयल, वो उसका सारा रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। तो अब ये हेल्दी बन गया। इस पे हम थोड़े से नींबू एंड कोरिएंडर डाल सकते हैं, लेमन एंड वो पत्ते ना ऐसे ऐसे लेमन है। आई डोंट नो, लेट मी सी क्या ये क्या कर रही हो। ये थोड़ा सा बादाम नहीं लाओ, कोरिएंडर अच्छा भी खुद ही लाऊंगी अभी। नहीं क्यों, ये मीठी गार्निशिंग है। अच्छा लेमन है, देखो लेमन 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 ऐसे पत्ते ना तोड़ के तो काटेंगी अपनी मम्मा। इसको लेमन काटेंगे, आधा डालो आधा उतरे। ये आ गया ऊपर से लेमन, आधा उतरे कहीं भी रख दो। तो अब हम लगाएंगे इसको टेबल पे और अब मैं बैठूंगी। इसको थोड़ा सा लेमन अच्छा नहीं लग रहा, साइड में हटा दो। अगर
तो सब कुछ रेडी हो चुका है, आज इफ्तारी में हमारा यही सब कुछ है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, या इसमें से कोई डिश ऐसी लगी है जो आपको भी यूज़फुल हो जाए, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय।